हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से प्राइसिंग मॉडल्स हैं, एंड आपको मैंने तभी ये भी बताया था कि इंडस्ट्री बेस्ड क्या क्या है, आप कौन से आपके प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज, अगर उसके बेसिस पे आप जानना चाहते हैं कि क्या प्राइसिंग मॉडल सही होंगे तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लेकर आ गए हैं वो सेम वीडियो जहाँ पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी इंडस्ट्री बेस्ड आप कौन सा आपके लिए प्राइसिंग मॉडल सही होगा। ठीक है, तो ये जो प्राइसिंग मॉडल्स है वो सिर्फ ऑनलाइन या ई कॉमर्स रिलेटेड ही नहीं है, ये आप बाकी सारे जितने भी इंडस्ट्रीज है सब पे ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से प्राइसिंग मॉडल्स सारे इंडस्ट्रीज के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्राइसिंग मॉडल्स कि कौन से इंडस्ट्री में कौन सा प्राइसिंग मॉडल आपके लिए सही हो सकता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास इंडस्ट्री है वो है फिजिकल प्रोडक्ट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आप जनरली 3 से 4 टाइप देख सकते हैं। सबसे पहले जो है वो है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मॉडल। अब हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मॉडल क्या होता है, क्यों यूज करना चाहिए, तो अगर आप इस पर डिटेल जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले जो है वो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मॉडल है। इसके अलावा जो है सेकंड आप जो यूज कर सकते हैं या जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है वो है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मॉडल। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मॉडल जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए काफी सही एक आप कह सकते हैं कि होता है। नेक्स्ट जो आपको काफी कॉमन देखने मिलेगा वो है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मॉडल। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मॉडल क्या होता है, तो इसमें ना आप जनरली जो भी आपका कॉस्ट आपको पड़ रहा है, जो भी आपका रिसोर्सिंग का या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉस्ट पड़ता है, उसके बाद आप उसमें कुछ ऐड करके अपने प्रॉफिट्स को ऐड करके एंड देन अपना प्राइसिंग मॉडल रखते हैं। तो आप ये जनरली आप देखेंगे कि जो भी आप प्रोडक्ट्स आपके आसपास है, कोई आप एक पेन से लेके आप एक माउस तक कुछ भी आप देखेंगे, तो जनरली आपको ये वाला जो प्राइसिंग मॉडल है वो काफी कॉमनली आपको यूज होता हुआ दिख जाता है। तो आपका अगर फिजिकल प्रोडक्ट्स है तो आप इन तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। आप कॉम्पिटिटिव बेस जा सकते हैं, आप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मॉडल ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मॉडल के लिए जा सकते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि जो हमने प्रीवियस वीडियोस में प्राइसिंग मॉडल्स को डिस्कस किया था आप उनको किन किन इंडस्ट्रीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, हम उसके ऊपर आज डिस्कशन कर रहे हैं मेनली। तो आप किस प्राइसिंग मॉडल को कंसिडर कर सकते हैं, किस इंडस्ट्री के लिए, वो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। करेक्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इंडस्ट्री है वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स की। डिजिटल प्रोडक्ट्स में आप कौन से प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हैं, आप कंसिडर कर सकते हैं, तो उसमें से सबसे पहले जो है वो है कंप्यूटर बेस्ड। कंप्यूटर बेस्ड प्राइसिंग मॉडल को आप इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको पता होगा या फिर आपने देखा होगा वाइडली यूज भी होता है वो है फ्रीमियम। फ्रीमियम कौन सा प्राइसिंग मॉडल है, तो यहाँ पे फ्रीमियम प्राइसिंग मॉडल में क्या होता है कि कुछ जो उसके फीचर्स होते हैं उसको वो फ्री रखते हैं, एंड उसके साथ में उसमें अगर आपको कुछ एडवांस फीचर्स यूज करने हो तो उसको वो प्रीमियम या फिर उसको वो प्राइस कर देते हैं, वहाँ पे कुछ अप्लाई कर देते हैं, चार्जेस वहाँ पे वो एप्लीकेबल कर देते हैं। तो इस टाइप का जो प्राइसिंग मॉडल होता है उसको फ्रीमियम प्राइसिंग मॉडल कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग मॉडल। अब सब्सक्रिप्शन बेस्ड के लिए आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, आपको नेटफ्लिक्स पता है, आपको प्राइम पता है, आपको ऐसे हॉटस्टार पता है, आपको कितने सारे प्लेटफॉर्म्स पता होंगे जहाँ पे आपको एक कुछ अमाउंट जो है, जो एक कुछ सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको लेना पड़ता है एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के लिए। करेक्ट। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए काफी अच्छा प्राइसिंग मॉडल है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री है हमारे पास सर्विस बेस्ड प्राइसिंग मॉडल्स के लिए कि आप सर्विस बेस्ड अगर आपका सर्विसेज है मान लीजिए तो आप कौन से प्राइसिंग मॉडल्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मॉडल। अब यहाँ पे क्या आप देखना है कि मान लीजिए कि आप एक कोई पर्टिकुलर सर्विस दे रहे हो, कोई एक्स पर्सन है जो एक सर्विस दे रहा है, ठीक है, वो जो एक अमाउंट चार्ज करता है क्योंकि उसका जो भी एक्सपीरियंस है या जो भी उसके पास पर्सन है वो जो अमाउंट चार्ज करता है, मान लीजिए कि एक वाई पर्सन है, वो अभी न्यू है, उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो वो सेम सर्विस के लिए वो कम चार्ज कर सकते हैं। करेक्ट। तो वैल्यू बेस्ड जो है कि आप कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें यहां पे आ जाती है। तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मॉडल आप रख सकते हैं अगर आपकी सर्विसेज हैं तो। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो सर्विसेज में आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट बेस्ड है। आप किसी को अगर वेबसाइट डेवलप कराना है तो वो पूरे प्रोजेक्ट का जो चार्जेस है वहां पे वो लेते हैं कि वो मान लीजिए एक्स अमाउंट ऑफ लेंगे पूरे प्रोजेक्ट के लिए। करेक्ट। तो प्रोजेक्ट बेस्ड एक प्राइसिंग मॉडल आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में हैं तो। इसके अलावा एक और कंसिडर कर सकते हैं वो है आर्ली बेस्ड या फिर टाइम बेस्ड, जहाँ पे आवर के हिसाब से या फिर वीक के हिसाब से या फिर डेज के हिसाब से वहाँ पे आपको चार्जेस
पे करने होते हैं या फिर आप वहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। आपका एक इसका पॉपुलर आप देखेंगे तो जो वीडियो एडिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो वीकली या फिर कितना उनको टाइम लगेगा वो आर के हिसाब से वो आपसे चार्जेस लेते हैं। वो आपको जो भी वो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है उनका आर बेस्ड होता है, करेक्ट। तो आरली बेस्ड जो प्राइसिंग मॉडल है वो भी आप एक कंसिडर कर सकते हैं। टाइम बेस्ड जो प्राइसिंग मॉडल है आप उसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इंडस्ट्री है वो है एजुकेशन। अब एजुकेशन बेस्ड जो इंडस्ट्री है यहाँ पे आप प्रीमियम प्राइसिंग मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। प्रीमियम प्राइसिंग मॉडल क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लोग इसमें जो है जनरली कॉम्प्रोमाइज़ इतना नहीं करते हैं, यहाँ पे करने के लिए भी रेडी होते हैं। एंड अगर आप प्रीमियम प्राइसिंग मॉडल रख रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो डिलीवरेबल्स आपकी जो क्वालिटी है वो भी प्रीमियम क्वालिटी आप वहाँ पर डिलीवर करें। तो एक प्रीमियम प्राइसिंग मॉडल आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप एक एजुकेशन बेस्ड इंडस्ट्री में है। तो इसके अलावा और एक है वो है कॉस्ट प्लस या कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल। जो भी कॉस्ट कर होता है उसके अकॉर्डिंग आप जो है चार्जेस रख सकते हैं। एक और प्राइसिंग मॉडल है जो आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप एजुकेशन बेस्ड इंडस्ट्री के लिए जा रहे हैं या फिर आप एजुकेशन बेस्ड इंडस्ट्री में है, तो वो है कॉम्पिटिटिव। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो आपको जो प्राइसिंग मॉडल है वो कॉम्पिटिटिव भी आपको कंसिडर करना पड़ता है कि कॉम्पिटिशन कैसा है, क्या बाकी कॉम्पिटिटर्स क्या चार्ज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्राइसिंग मॉडल आप रख सकते हैं। इसको भी आप एक कंसिडर कर सकते हैं अगर आप अपना प्राइसिंग के लिए आप सोच रहे हैं कि क्या रखना चाहिए, अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं कि कैसे हो, क्या पैरामीटर्स में रखो, तो आप ये सारी चीज़ें अगर आप एक एजुकेशन बेस्ड इंडस्ट्री में तो कंसिडर कर सकते हैं। तो अब तक हमने वीडियो में ये डिस्कस किया कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल्स को आप इंडस्ट्री को कंसिडर करते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, तो वो था प्राइसिंग मॉडल्स। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइसिंग मॉडल बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज, करेक्ट। एंड आगे हम शायद आएगा वीडियो जहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कौन सा प्राइसिंग मॉडल आपको सही रहेगा। तो बहुत से लोग वहाँ पे कैसे कंफ्यूज जाते हैं कि वो एक टाइम पे ना मल्टीपल प्राइसिंग मॉडल्स को चूज कर लेते हैं, जो कि इनिशियली थोड़ा सा एक अप्रोच जो है वो सही नहीं है। आप एक मैक्सिमम दो जो है आप प्राइसिंग मॉडल्स को यूज़ कीजिए एंड अपने जो इंडस्ट्री है उसको आप कंसिडर कीजिए एंड देन अपना प्राइसिंग मॉडल रखिए, करेक्ट। अब ये हो सकता है कि आपने कॉस्ट प्लस रखा एंड देन साथ में आपने कॉम्पिटिटिव भी कंसिडर किया, बट ये नहीं है कि आप तीन चार प्राइसिंग मॉडल को एक साथ ले लेंगे एंड देन उसके बेसिस पे आप रखेंगे, करेक्ट। तो ये आप आई होप आप समझ रहे होंगे कि पूरे वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ पे हम हाईलाइट करें, क्या एम्फोसिस है पूरे वीडियो का। अगर आपका प्रोडक्ट रियल एस्टेट इंडस्ट्री में फॉल करता है तो आप कौन कौन से प्राइसिंग मॉडल कंसिडर कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो है वो है कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग मॉडल। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है वो है डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल। अब क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट होता है उसमें जो मार्जिन होता है वो काफ़ी हाई होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स आप लेके आ सकते हैं, तो डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल को आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है। तो इसके अलावा जो है वो है प्रीमियम प्राइसिंग मॉडल, क्योंकि लोकेशन बेस्ड होता है किस लोकेलिटी में है क्या वहाँ का है, तो प्रीमियम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल भी आप ऑप्टेन कर सकते हैं बेस्ड आपका प्रोडक्ट कैसा है। इसके अलावा नेक्स्ट है ई कॉमर्स इंडस्ट्री। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आप मल्टीपल प्राइसिंग मॉडल्स को आप कंसिडर कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मॉडल आप ले सकते हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट प्लस बेस्ड जो प्राइसिंग मॉडल है वो आप यूज़ कर सकते हैं, प्रीमियम प्राइसिंग मॉडल को आप रख सकते हैं, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मॉडल जो है वो आप रख सकते हैं, डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स अगर आप इंडस्ट्री में है, ई कॉमर्स आप इंडस्ट्री के लिए जाना चाहते हैं, तो आप ये प्राइसिंग मॉडल्स को कंसिडर कर सकते हैं बेस्ड कि आपका क्या प्रोडक्ट है, आप किस टाइम पे आप कर रहे हैं, क्या आपका नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होने वाला है, क्या नेक्स्ट स्टेप्स होने वाले, तो उसके बेसिस पे आप ये प्राइसिंग मॉडल्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थे सारे इंडस्ट्रीज जिसमें हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से प्राइसिंग मॉडल आप कौन कौन से इंडस्ट्रीज में आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, फॉलो अस फॉर मोर।